भाई लोग, आज बूचर को लेके जा रहा हूँ यूनलिन बॉस के साथ फाइट करने के लिए। और बूचर का तो केज के अंदर डैमेज नहीं होता है, तो इसलिए सोच रहा हूँ क्या होगा। तो चलो भाई लोग, गेम शुरू हो चुका है, राउंड वन। आप लोग देख रहे हो टीटी गेमिंग 007। अच्छा लगे तो दिल से लाइक कर। चलो फाइट शुरू हो चुका है। इसका नाम है सीकर ऑफ वीकनेस, नंबर वन पे आता है। और ये खड़े होने का लायक नहीं है क्योंकि ये खेल नहीं पा रहा है। ये जंप और इसके साथ ये खत्म। शुरू में नंबर वन खत्म है। और ऊपर देखो, बूचर का शैडोवर फुल है। शैडोवर फुल है मतलब नेक्स्ट राउंड में तो बहुत ही तगड़ा कुछ फाइट होने वाला है। और ये राउंड परफेक्ट है। और फास्ट जो पार्क है बी सिजिल, ये मैंने ले लिया। क्या था वो आप लोग पॉज करके देख सकते हो। चलो नेक्स्ट आ रहा है टॉल ग्रास रासेल। और इसको टाइम नहीं मिलेगा भाई लोग, एकदम टाइम नहीं मिलेगा। ये देखो, मैं शैडो पे आया और ये हेवी, ये लोअर, ये स्पिनिंग और ये बेसिक, और इसके साथ नंबर टू आते ही खत्म है भाई। तो ये जो चीज़ है ना शैडो का, यही मैं देखना चाहता हूँ बॉस के साथ ये कैसा फाइट करे। तो चलो ये राउंड भी परफेक्ट हुआ है। और अभी इन तीन पार्क में से मैंने ले लिया क्रोनोटॉक्सिन, सेंटर वाला जो पार्क है वो। और नेक्स्ट जो आ रहा है उसका नाम है पीकी फैंग्स, राउंड थ्री। रेंज अच्छा, रेंज ना भाई लोग कनेक्ट कम होता है क्योंकि ये लोग बहुत स्मार्ट है, लोगों को पता है ये बूचर ज्यादा रेंज कर सकता है। चलो ये स्पिनिंग, ये लोअर, अच्छा पीछे अपीयर हो रहा है, और ये हेवी और लोअर। इसका शैडोवर फुल है। शैडोवर जब आ जाएगा ना, अगर सामने रहेगा तो स्पिनिंग कर देना। चलो जंप किक के साथ ये हेवी, और इसके साथ पीकी फैंग्स खत्म हो चुका है, लेकिन मेरा शैडोवर फुल है। बूचर लेने का ये फायदा है भाई, एक राउंड में अब अगर कोई भी कैरेक्टर को हरा सकते हो तो नेक्स्ट राउंड में ना पूरा शैडो फुल हो जाएगा। तो चलो इसमें नंबर तीन में जो पार्क है, यू फुल्ली रिकवर योर हेल्थ एट द बिगिनिंग ऑफ द राउंड। ये थर्ड पार्क जरूर लेना भाई लोग, क्योंकि हर टाइम जितना हेल्थ आपका कम हो जाएगा ना, नेक्स्ट राउंड में आपका हेल्थ पूरा फुल हो जाएगा। अभी शैडो में चला गया मेरा बूचर हेवी। ओके चलो, ये स्पेशल और ये कैंसिल, ये स्पिनिंग, ये लोअर, थोड़ा सा हेल्थ बाकी। और इस लड़की का नाम था फेडिंग होप, जो नंबर फोर पे आता है। आप लोग देख रहे हो टीटी गेमिंग 007। भाई लोग, मैं शैडो फाइट 3-4 इन डिटेल्स वीडियो आप लोगों के सामने बैक टू बैक लेके आऊँगा। पीसी गेम भी रहेगा। और इसमें तीन ठो पार्क आ चुका है। नंबर तीन पे क्रोनोटॉक्सिन पार्क, वो मैं फिर से लेने वाला हूँ। आप लोग देख रहे हो टीटी गेमिंग 007। दिल से अच्छा लग रहा है तो दिल से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ऐसे ही गेम प्ले विद वॉइस ओवर देखने के लिए। अभी आ रहा है टच ऑफ डेथ। ओके, लड़की युगा का वेपन जैसा। चलो ये रेंज, ये लोअर और स्पिनिंग, मेरा शैडो बटन है और ये शैडो ले लिया बस। और इसका कुछ करना नहीं है अभी, अभी सिर्फ मैं करूँगा। और बैक टू बैक इसका डैमेज हो रहा है, एकदम टाइम मत देना। यहीं पे एक टिप्स है, जब आपका ये ओपोनेंट शैडो में जाएगा ना, तो तब एकदम ब्लाइंड अटैक करो भाई। एक सेकेंड भी वेस्ट मत करो, क्योंकि वो लोग भी ना ब्लाइंड अटैक करता है जब ये लोग शैडो में चला जाता है। तो चलो मेरा शैडो बार ऑलमोस्ट फुल है। और नंबर सिक्स पे जो आएगा भाई, बहुत डर लगता है नंबर सिक्स पे जो आता है। और इन तीनों पार्क में से मैं लेने वाला हूँ बियर सीजिल, नंबर तीन पे था। इंक्रीज्ड फिजिकल डैमेज। और अभी आ चुका है रीपर ऑफ ऑल। भाई ये राउंड बहुत टफ होता है, लेकिन पता नहीं बूचर के साथ इतना कॉन्फिडेंस आ रहा था मेरे को। और वो पीछे आ गया, ये लोअर। चलो शैडो बार मेरा फुल है, ये शैडो में आ चुका हूँ। और ये कनेक्ट स्पेशल, ये लोअर और ओ शिट नहीं। चलो शैडो चला गया मेरा, फिर से लोअर। ये रेंज करने से ज़्यादा शैडो आ जाता है मेरा। और फिर से शैडो आने वाला है, और एक बार शैडो लेने वाला हूँ। और ये शैडो देखो, ये मेरा जिंदगी में फर्स्ट टाइम हो रहा है भाई लोग, नंबर सिक्स पे जा रहा है वो खेल नहीं पा रहा है भाई। ओके, ओ शिट,
नहीं चलो ये ग्रैब, ये लोहा थोड़ा सा बाकी और ओ शिट पीछे आ गया। नहीं ओके 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 और ये किक और ये खत्म। ओ भाई साहब वही सोच रहा था भाई नंबर 6 इतना उसका डैमेज हो रहा है मेरे को कोई डैमेज क्यों नहीं कर पा रहा है। ओ भाई साहब देखा भाई एक चांस अगर मिल जाएगा ना तो ये खत्म कर देगा नंबर 6 वाला ये। चलो नंबर 1 पे है पार्क स्टेबिलिटी, योर ओपोनेंट इज अनेबल टू थ्रो यू, ये पार्क मैंने लेने वाला हूँ मैं अभी। और अभी नेक्स्ट आ चुका है शेडो गेज नंबर 7, मेरा शेडो बार फुल है, टाइम वेस्ट अभी नहीं करूंगा मैं, बैक टू बैक फिनिश करूंगा। और इसके साथ ही बेसिक, ये लोअर और कैंसिल बेसिक स्पिनिंग। चलो इसका शेडो बार फुल है, देखो शेडो बार फुल है, टाइम वेस्ट नहीं किया, ये रेंज किया, ये लोअर। और नंबर 7 से भाई लोग मैंने एक चीज नोटिस किया है, जो कैरेक्टर आएगा ना आपका ओपोनेंट में मतलब थोड़ा रुक रुक के अटैक करेगा, थोड़ा सोच के अटैक करेगा, इसलिए थोड़ा स्लो हो जाओ नंबर 7 से। ठीक है परफेक्ट हो गया इस राउंड। और अभी पार्क लेने वालों सेंटर वाला फ्लाइंग एवे, योर सक्सेसफुल रेंज अटैक समन अ मूनबीम डीलिंग पीरियडिक डैमेज टू योर ओपोनेंट। ओके अच्छा लग रहा है तो दिल से लाइक भी कर देना भाई लोग। चलो नेक्स्ट आ रहा है शैडो गेज फिर से नंबर 8 पे, वो लड़का था ये लड़की। और ये रेंज देखो, रेंज बहुत अच्छे से ये लोग डॉच कर रहा है। और ये शैडो लोअर और इसको टाइम नहीं मिलेगा शैडो गेज को, ये नानचाकू जैसा कुछ चीज लेके आता है, नानचाकू ही है ये, इसका शैडो बार फुल है, टाइम मत दो हेवी। ये रेंज ओ शिट ये भी नहीं हुआ। और ये फिर से हेवी अटैक, देखो भाई लोग मैंने बोला था ना थोड़ा रुक रुक के अटैक करता है, थोड़ा सोच के अटैक करता है। इसका शैडो बार फुल हो चुका है और मैं पीछे आ गया और ओ ओ और इसको कुछ नहीं करना है, इसे मैं करूंगा ये जंप की लोअर और ये बेसिक से खत्म हो चुका है नंबर 8 वाला कैरेक्टर। और नेक्स्ट कुछ अच्छा पार्ट चाहिए, लेथल डैमेज वाला पार्ट चाहिए। ओके चलो और ये देखो ये जो नंबर 1 पे है ना बुल्स आई, 30% हेल्थ रहेगा, तो अगर सक्सेसफुल रेंज अटैक करोगे तो इमीडिएटली आपका ओपोनेंट डिफीट हो जाएगा। ये बुल्स आई ऑब्वियसली लेना अगर यूनलिन का अगेंस्ट में खेल रहे तो, क्योंकि यूनलिन जब एंड में वो जो फ्लूट बजाता है ना उस टाइम में सिर्फ रेंज कनेक्ट होता है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। चलो ये हेवी सीकर ऑफ वीकनेस आ चुका है नंबर 9 का। ओके देखो अभी खेल नहीं रहा है, पूरा वेट करके खेल रहा है, देखो देखा भाई बहुत बहुत टाइम ढूंढ के खेल रहा है अभी जो ये एआई आया है। ओके और ये लोअर नहीं हुआ और इसके साथ सिकार ऑफ वीकनेस खत्म होने वाला है और ये खत्म नंबर 9 वाला। पूरा वीडियो जरूर देखना, बॉस के साथ फाइट भी जरूर देखना क्योंकि वहीं पे भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूँ। ओके और भाई लोग इसके लिए ही मैं इंतजार कर रहा था, थैंक्स नंबर 1 का पार्क लेने वाला हूँ। योर सक्सेसफुल रेंज अटैक्स रिस्टोर योर हेल्थ, भाई हेल्थ चाहिए एवरी फाइट, एवरी स्टोरी मोड फाइट पे हेल्थ लेना चाहिए, उसका पार्ट चाहिए। तो चलो नंबर 10 पे आ चुका है सेंट ऑफ ब्लड, ये रेंज कनेक्ट, अच्छा यू का जैसा जो आएगा ना ये शोर्ट लेके रेंज कनेक्ट होता है, ये उतना ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। ओके चलो ये ग्रैब, ये लोअर, ये स्पिनिंग, फिर से लोअर और इसका तो हालत खराब होने वाला है अभी, बहुत जंप कर रहा है ये। और ये हेवी फिर से रेंज, ओके ओ ओ ओ ओ ओ ठीक है नहीं नहीं ये जंप किक, शैडो में आ चुका हूँ बस और कुछ नहीं करना पड़ेगा तेरे को, अभी मैं करूँगा थोड़ा सा हेल्प बाकी। और इसके साथ सेंट ऑफ ब्लड भी खत्म हो चुका है और बॉस आने से पहले और एक कैरेक्टर आएगा। अच्छा लग रहा है तो दिल से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, फिर से आ चुका है और यहीं पे मैं लेने वाला हूँ सक्सेसफुल रेंज अटैक। नहीं नंबर 1 पे है प्रीडेटर्स हंगर लेके नंबर 11 पे जाने वाला हूँ अभी।
और इसका नाम है फ्लेश ईटर, नंबर 11 पे आता है। ये रेंज नहीं हुआ, मतलब वो जूका जैसा जो कैरेक्टर आएगा ना उसका अगेंस्ट में रेंज कनेक्ट होता है, बाकी कोई भी कैरेक्टर के अगेंस्ट में ना रेंज कनेक्ट होता है। तो चलो, और अभी मेरा शैडो वार फुल होने वाला है और अभी मैं शैडो में जाने वाला हूँ क्योंकि इसको फटाफट खत्म करना पड़ेगा। ये कनेक्ट, ये भी कनेक्ट, और इसके साथ नंबर 11 यहीं पे ख़त्म होता है। मेरा शैडो तो ऑलमोस्ट नहीं है अभी, नेक्स्ट राउंड में देखता हूँ क्या होता है, अगर यूलिंग के अगेंस्ट में रेंज कर सकता हूँ तो। और लास्ट पर नंबर 1 पे जो है वो लेने वाला हूँ, रिस्टोरेशन मूनबीम। द मूनबीम रिस्टोर्स योर शैडो एनर्जी, क्योंकि मेरे को ज़्यादा शैडो चाहिए। तो राउंड 12 यूनलिन आ चुका है, देखता हूँ बूचर का एगेंस्ट में ये कैसे खेलता है। मेरा हेल्थ ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, 988 पे ही है। ये रेंज नहीं हुआ भाई लोग, ओके ये जंप, ओके ये लोअर। देखो शुरू शुरू में ना ये फ्लूट बजाता है इसलिए जंप किक करना, ये देखो फ्लूट बजा रहा है इसलिए जंप किक करो शुरू शुरू में, ओके। चलो ये शैडो में आ गया, ये लोअर, अभी तो बैक टू बैक अटैक होगा। तो इसका जो शैडो डॉच करने के लिए सिर्फ जंप किक करो, और ओके अभी यहीं से वो दोनों पैटर्न का रेंज करेगा। देखो एक बार लोअर एक बार अपर, ये दिमाग में रखना, एक बार लोअर एक बार अपर, ऐसे रेंज कर रहा है, ओके इनविजिबल होके अटैक कर रहा है। ओके चलो ये मैं शैडो पे आ चुका हूँ और ये कनेक्ट हो रहा है बैक टू बैक, उसका भी शैडो बार पूरा, लेकिन मेरा नहीं। ये देखो ऊपर रेंज किया, अभी लोअर रेंज करेगा, ये इसका पैटर्न है, ओके। और ये मेरे को पता लग गया फिर से फ्लूट बजा रहा है, इसका पैटर्न देख लो आप लोग, ओके चलो ये जंप, फिर से ये अटैक, ओके ओके ओके। अभी मैं शैडो में आ चुका हूँ और मेरे पास एक पार्ट है भाई, वो है रेंज करने से 30% अगर उसका हेल्थ रहेगा वो मर जाएगा, तो वो पार्ट का इस्तेमाल करने वाला वहीं पे। तो अभी भी ये 50% हेल्थ है इसका, डैमेज करना पड़ेगा। ये जंप दूर जाएगा तो जंप किक करो, ओके ओके। ये देखो दूर जाएगा तो फ्लूट बजा रहा है, ओके ओके। चलो इनविजिबल हो चुका है, मैं ढूंढ रहा हूँ, चलो आ गया फिर से ये कनेक्ट, मेरा शैडो बार फुल है और ये शैडो ले लिया, ये लोअर। और एंड में भाई लोग यूनलिन को पकड़ नहीं सकते हम लोग, ऐसे हो जाता है, टेलीपोर्ट करता है कॉन्टिन्यूअस। ये देखो ये ऐसा टाइम आ जाता है जब हम लोग पकड़ नहीं पाता यूनलिन को, ऐसे टाइम में ना सिर्फ सिर्फ और सिर्फ रेंज करो कनेक्ट हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। ये देखो रेंज और ये ख़त्म। तो ये था यूनलिन ख़त्म का आज टिप्स। स्टोरी मोड पे अगर आप बूचा लेके खेल रहे हो या भी कोई भी दूसरा कैरेक्टर लेके खेल रहे हो, ये चीज़ दिमाग में रखना, इजीली यूनलिन को मार पाओगे। देखते रहो डीडी गेमिंग 007। अच्छे लगे तो दिल से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ऐसे गेम प्ले देखने के लिए। खुश रहो, मुस्कुराते रहो और डीडी का साथ रहो।